ये पम्पकिन हम लाए हैं कार्विंग के लिए। 31 अक्टूबर को हैलोइन है, आज हम कार्विंग करके उसको लांटर्न बनाते हैं। देख गनू, आप कर रहे हो डिजाइन? अभी ये एक शेप बन गया है। सो हमें ओनली दिस पार्ट को निकालना है। अभी सेकंड स्टेप में इसको हम राउंड यहाँ से कट करेंगे, ताकि इसको निकाल के उसके अंदर पे जो पल्प एंड सीड्स रहता है उसको हम निकाल सकें। ताकि थोड़ा सा बड़ा करेंगे ताकि वो अंदर के पल्प एंड बीज सब आराम से निकल सके। अभी आपके पास चाकू या कोई भी कार्विंग टूल्स होगा तो उस पर शार्प नाइफ से आप कट कर सकते हैं। इसमें इतने सारे शेप्स के ब्लेड्स हैं, इसको आप यहाँ से, ये चेंज होता है, इसको ओपन करोगे तो ये ब्लेड की जगह पे आप ये ब्लेड भी लगा सकते हो। अब मैं पहले ऐसे इसमें थोड़ा सा कर देती हूँ, मार दे देती हूँ, फिर आप चाकू से करना। ये बहुत शार्प है ना, आपके हाथ कट सकते हैं इसीलिए। हम सब लोग ऐसे ही बोलते हैं। ट्राई टू ओपन करें जंप, इट। थोड़ा नहीं हुआ उस साइड का, नहीं क्यों ना। मैं वेट वेट वेट, अभी ओपन करा। ओह माय गॉड, अभी हमको क्या करना है? सबको निकालना है क्या सबको? ये जो सीट्स पल्प है। एंड सीड्स। अभी पहले हम साइड से इसको क्लीन कर देंगे, साइड में जो अटैच है पल्प उसको निकाल लेंगे। केयरफुली करना, जैसे पम्पकिन टूटे ना ना कि नीचे होल हुए। अभी सीट साइड में ज्यादा नहीं है। अभी आप हाथ से भी निकाल सकते हो। जैको लैंटर्न बोलते हैं इसको। तो फिर उसमें फायर, उसके अंदर कैंडल क्यों डालते हैं? कैंडल नहीं डालेंगे तो हमको वो शेप नहीं दिखेगा। आप ओनली पम्पकिन को होल करके रख दोगे तो भी डार्क रहेगा ना, अंधेरा दिखेगा, तो रात को कुछ नहीं दिख सकेगा। इसीलिए अंदर कैंडल देंगे तो फिर वो जैसे लगेगा कि वो लांटन है। ओनली पल्प को कट करना है, पम्पकिन को नहीं। अंदर से क्लीन हो गया है हमारा पम्पकिन। अभी हम इसको जो शेप्स हम ड्रॉ किए हैं उसको कार्व करेंगे। वन आई हो गया, अभी हमें नेक्स्ट आई करना है। हेलो स्पूकी पम्पकिन, जिसके पास मुंह नहीं है। अंदर से कर सकते हो, ट्राई करो। अंदर से ट्राई करो, पुश कर ले। ओके, भी होता है, नहीं भी होगा। चाकू क्यों यूज करो?
या हुआ।